जब हम घटाप बच्चों को सिखा रहे होते हैं स्टार्टिंग क्लासेस में जाएँ एक दो तीन में, गलती अमूमन कोई फैसिलिटेटर ट्रेनिंग्स के दौरान जैसे पढ़ाते हैं हो जाती है। किताबों में कुछ गलतियाँ छपी हुई हैं, आपने पाया होगा। मैं कह रहा हूँ कि जैसे आपको 5-4 बच्चों को पहले ठोस से कराते हैं तो कोई गलती नहीं है, है ना। फिर चित्र से कराना होता है जो हमारी ELPS अप्रोच है, तो जब ठोस से करा रहे हो 5 चीज़ें लोगे, अब 4 चीज़ें और लोगे, अक्सर ये गलती कर देते हैं। तो घटाने में ध्यान क्या रखना है, जो एक समूह है इसमें से ही कम करना है, दो समूह इसमें नहीं होते, वो जोड़ में होते हैं। जो मैंने 5 चीज़ें ले ली, इन 5 में से ही 4 चीज़ें निकाल रहा हूँ। हम चित्र बनाते हैं, 5 बनाएंगे एक तरफ, फिर 4 बनाएंगे एक तरफ, लिखेंगे 5-4=1, ये तो कुल 9 चीज़ दिखाई दे रही है ना। आप समझ रहे हो मैं जिस और पॉइंट आउट कर रहा हूँ, शायद आप भी, आप मुझे बताना कि आप लोग इस तरह की गलतियाँ देखते हैं या आपके क्लासरूम में आसपास में कोई करता है नहीं करता है, है ना। कमेंट बॉक्स में मेरे साथ साझा करना। तो ध्यान क्या रखना है, या तो जैसे NCERT की किताब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उन्होंने जैसे गमले का डायग्राम लिया है, 6 गमले हैं, 4 गमले उसमें से निकल गए, तो 4 गमले को तोड़ दिया होंगे। तो ये क्या है, अलग दिखाने का तरीका है। 4 गमले नहीं बनाए आपने, 6 में 4 टूटे गए, यानी 4 हट गए, अब घट रहे। तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं। अगला सवाल है, 5 मेंढक है तो कूद गए, 2 को पानी में दिखा दिया, 3 ऊपर रह गए, तो जो है वो दिखाई दे। हम क्या करते हैं, 5 बनाएंगे, 3 बनाएंगे, फिर 2 कर देंगे। तो इस तरह की गलतियों से बचें, है ना। घटाप पे खासकर हम प्राइमरी में गलती हो जाती है, इसी का पर्पज था। दूसरे वीडियो बात अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस तरह इंटरेस्टिंग मैथमेटिक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को ऑन।